ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धत दिवाकर विहोज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वर सकलम हरम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के गुड लक में। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, आपके साथ हर रोज की तरह। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हर रोज आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है वो बताते हैं। आज विशेष त्यौहार है, आज अनंत चतुर्दशी है। आज के दिन जो कर्म करते हैं उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है, तो इसलिए कोशिश ये करें सब लोग शुभ यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। यदि शुभ करेंगे तो शुभ का अनंत फल प्राप्त होगा, और गलती से कहीं अशुभ हुआ या अशुभ विचार मन में आया तो उसका भी अनंत गुना फल प्राप्त होगा। और आज का दिन आपके लिए क्या कुछ लेके आया है, कौन से खास उपाय आज आपके जीवन में उत्थान का योग बना सकते हैं, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। पंचांग की बात करें तो आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, और चतुर्दशी का भी खास है, अनंत चतुर्दशी का व्रत शास्त्र के अंदर आज विद्यमान है और उसके रूप में करने का शास्त्र विधान है। रविवार भी है और इसलिए बड़ा शुभ योग बन रहा है। कदली व्रत, केले के पेड़ की पूजा करने का शास्त्र में विधान बताया गया है। इससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, और खासतौर पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी जैसा मैंने कहा वो कहा जाता है। अनंत भगवान की पूजा करने के का विधान शास्त्र में बताया गया। श्रद्धालु जन बाह में अनंत सूत्र आज के दिन बांधते हैं, और धर्मशास्त्रों के हिसाब से अनंत सूत्र धारण करने से समस्त कष्टों का निवारण भी हो जाता है। आज के कार्यक्रम में हम आपको पूर्ण विस्तार के साथ अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा भी समझाने वाले हैं, और वो खास उपाय भी बताने वाले हैं जिसको करके आप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। आज नक्षत्र जो है वो शब्द दिशा विद्यमान है, और योग जो है धृति राम का योग बना हुआ है, साथ साथ रवि योग भी विद्यमान है, और चंद्रमा कुंभ राशि में चल रहे हैं देर रात तक, उसके बाद मीन में आ जाएंगे। और शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, 11:56 से लेकर 12:44 तक बड़ा मुहूर्त शुभ रहेगा। राहु काल जो है वो रहेगा शाम को 4:52 से लेकर 6:22। आज अनंत चतुर्दशी है, और आज के दिन भगवान की उपासना करने के लिए शास्त्र में विभिन्न विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। कदली व्रत आज किया जाता है, भगवान विष्णु का पूजन करने के रूप में केले के रूप में उनके पास बैठकर आज उनका पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है। इससे अनेक गुप्त मनोकामनाएं पूर्ति के रास्ते प्राप्त हो जाते हैं, और गुप्त मनोकामना पूर्ति के लिए एक टोटका भी है, उसे आप जान सकते हैं किस प्रकार से आपको करना है। और आज स्नान इत्यादि का करने के बाद ध्यान पूजन सब कर लें, और 3 झाड़ू खरीद कर बाजार में से उसके बाद किसी देवी मंदिर में अपनी मनोकामना सिद्धि का ध्यान करते हुए, अपने कष्ट का ध्यान करते हुए उस मंदिर में कहीं रखाएं। देखिएगा धीरे धीरे कष्टों से निवारण का योग अद्भुत रूप से आपको प्राप्त होगा। आज रविवार है, आज भगवान सूर्य का आराध्य दिन भी माना जाता है। बड़ा सुंदर अवसर है, सूर्य साक्षात तौर पर भगवान नारायण के स्वरूप में ही पूजे जाते हैं, और ताम्रपत्र में आज खासतौर पर भगवान जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से आरोग्यता प्राप्त होने के अद्भुत योग बनते हैं। सूर्य को जल के साथ साथ थोड़ा गुड़ और थोड़ा साबुत चावल उसमें अवश्य डाल लें, जिससे घर में समृद्धि इत्यादि के योग अद्भुत रूप से बन जाए। शारीरिक कष्ट यदि लगातार आपको परेशान कर रहे हैं तो शास्त्र कहता है भगवान सूर्य की उपासना करना परम आवश्यक है। सूर्य जीवनी शक्ति का संचार करते हैं, और रविवार का उपवास करेंगे तो उसका भरपूर लाभ भी आपको प्राप्त होगा। और रविवार के दिन कुछ खास जरूरी उपाय जो है उनको जान लीजिए, कैसे आपके जीवन में समृद्धि इत्यादि को प्राप्त करने के लिए ये अद्भुत रूप से लाभ दे सकते हैं। रविवार के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के पास एक चौमुखा दीपक जलाने से कहा जाता है कि धन संपदा इत्यादि की बरकत के योग अद्भुत रूप से बन जाते हैं। मान्यता है कि भगवती महालक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। देखिए रविवार के दिन यानी सूर्य उदय से पहले पहले तो पीपल को नहीं छूना चाहिए, लेकिन सूर्यास्त के बाद ये उपाय करने से लाभ प्राप्त होगा। रविवार के दिन खासतौर पर समस्त सदस्यों को अपने माथे पर चंदन अवश्य लगाने का प्रयास करना चाहिए, शून्य मस्तक नहीं रहना चाहिए। शास्त्र के अंदर इसका अद्भुत नियम बताया गया है। रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलाना भी बहुत शुभ होता है, कहा जाता है इससे महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में धन धान्य इत्यादि की कमी नहीं रहती। अब राशियों के अनुसार जान लीजिए आज का दिन आपके लिए कैसा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सतर्कता से काम करने का दिखाई देता है। कारोबार के लिए दिन सामान्य रहेगा। आज निवेश करने आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है, बहुत सोच समझ के निवेश करने का प्रयास करें, खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक जो है वो नंबर 1 आपके लिए लकी रहेगा। सुनहरा रंग आपको लाभ देगा, और भगवान सूर्य को ताम्रपत्र में थोड़ा सा जल डाल लें और लोटे के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल के अर्घ दें, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे।
माम में करेंगे कल्याण। व्रत राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज की ग्रह योगों की गणना के अनुसार से उत्तम परिणाम फल प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। बिजनेस में, व्यवसाय में रुपए पैसे का लेन देन जो कर रहे हैं उसमें आप सफल होते दिखाई दे रहे हैं। आज हर मामले में संतोष शांति का अनुभव होने के योग बन सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। कैरियर की तलाश जो कर रहे हैं, नया दिशा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए नए अवसर प्राप्त होने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 9 नंबर आपके लिए शुभ रहेगा, लकी रहेगा, शुभ रंग आपके लिए लाल दिखाई देता है। संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। काला उजला धागा वाले कंबल को उनको दान दें। जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। माँ में करेंगे कल्याण। आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं और कार्यक्रम के आरंभ में ही मेरठ से प्रदीप नागर जी का एक मैसेज आया है। उन्होंने लिखा है कि उनकी तरक्की देखकर उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, कुछ उनसे घृणा करने लगे हैं और ऐसा लगता है उनके उनमें कि किसी ने कुछ तांत्रिक प्रयोग भी उनके ऊपर करने का प्रयास किया है। उनको लगता है कि पूरा शरीर बंध सा गया है और दुकान पर भी उनके ऐसा लगता है कि नज़र लग गई है। काफ़ी कुछ अच्छा कुछ चलने के बाद भी आजकल खर्चे पूरे निकल नहीं पा रहे हैं। ये अचानक हुआ है और इससे उबरने के लिए कुछ सटीक उपाय जानना चाहते हैं। चिंता ना करें नागर साहब। देखिए, आपके मन को सबसे पहले आश्वस्त करने का प्रयास करें। हम लोग बहुत ज़्यादा कई बार एंजाइटी बढ़ा लेते हैं, उसके कारण से भी हमें कई बार लगता है, परंतु शास्त्र के दृष्टिकोण से कई बार नज़र भी लग जाती है। तो ऐसे में कई बार अपने शत्रु को खासतौर पर कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और तांत्रिक प्रयोगों का अविचार कर्म भी कई लोगों के द्वारा किसी के व्यवसाय को रोकने के लिए कर दिया जाता है और इसकी बाधा का निवारण के लिए कुछ खास उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। उनके दुष्प्रभाव से आपको बचने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। 1.25 किलो के आसपास काले उड़द और खासतौर पर 1.25 किलो कायला का कोयला इत्यादि एकत्र कर ले और 1 मीटर लंबे कपड़े में उनको बांध कर अपनी दुकान या अपने जहाँ भी व्यवसाय या अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर शनिवार के दिन बहते पानी में विसर्जित करने का प्रयास करें और खासतौर पर एक दर ध्यान करने का प्रयास करें। आज तो रविवार है और भगवान भैरव के मंत्र का अवश्य जप करें। ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। शनिवार के दिन इन सबको एकत्र करें और रविवार के दिन इनको विसर्जित कर दिया करें। तो इस तरह से 7 दिन लगातार करने का प्रयास करें। देखिए, आपके पर यदि कोई अविचार कर्म कर दिया गया है, परेशान करने के योग किए गए हैं, तो भगवान बटुक भैरव का मंत्र ही ये अर्थ है। ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। सात्विक प्रयोग है और बिल्कुल भगवान बटुक भैरव समस्त कष्टों से रक्षा करने के अद्भुत योग देते हैं। करिए कल्याण होगा। माम में करेंगे कल्याण। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के भाग्य के संबंध में। मिथुन राशि वालों, आपका भाग्य दिखाई देता है मध्य रूप से आज के लिए फलदायक सिद्ध होगा। कोई प्रिय वस्तु, मूल्यवान वस्तु आज खासतौर पर आपको ध्यान रखने का आपको योग बनाना चाहिए, अन्यथा उसके चोरी होने का, खराब होने का भय दिखाई देता है। इसलिए उसका प्रयोग सावधानी से करने का प्रयास करें। परिवार के सदस्यों के साथ बिना किसी कारण से बहस हो सकती है, शांति बनाए रखने का प्रयास करें। वाणी पर नियंत्रण रखें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कारोबार में वृद्धि अवश्य होती दिखाई दे रही है और साथ साथ कोई रुका हुआ काम या रुका हुआ धन यदि बहुत दिन से प्रयास करें नहीं निकल रहा है तो वो आज निकल सकता है, प्राप्त हो सकता है। मित्रों से मुलाकात होने के योग दिखाई देते हैं। 7 नंबर आपके लिए शुभ रहेगा। क्रीम रंग आपको लाभ देगा। केले का अवश्य पूजन करें। आज कदली व्रत है, इससे शुभ रहेगा। जीवन में उत्थान के योग बनेंगे। माम में करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों का भाग्य क्या कुछ बता रहा है जान लीजिए। आज आपके लिए निश्चित परिणाम लेके आया है आज का दिन। साझेदारी के काम में यदि काम कर रहे हैं वो व्यवसाय में, उसमें लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। आय और व्यय का हिसाब जरूर रखने का प्रयास करें, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पारिवारिक जरूरतों में आज कुछ खरीदारी अधिक होती दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में परिवार से विचार विमर्श अवश्य करने का प्रयास करें। जो निवेश जो करने जा रहे हैं वो सबकी मंत्रणा साथ में करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। कोई रिश्तेदार से मिलने की संभावना भी दिखाई देती है। 2 अंक आपके लिए शुभ है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल गुड़हल के पुष्प उन्हें समर्पित करें, आशीर्वाद मिलेगा और जहाँ माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो सब कल्याण ही कल्याण होगा। माम में करेंगे कल्याण। अनंत चतुर्दशी आज है और इस पर विशेष व्यवस्था हमने आज करने का प्रयास किया है। हर अनंत चतुर्दशी का व्रत कैसे किया जाए, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो होती है उसमें खास तौर पे 14 के दिन ये दिव्य तिथि आती है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने का शास्त्र में नियम है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन अनंत भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात अपने बाजू पर अनंत सूत्र बांधने की व्यवस्था है। ये कपास और रेशमी का बना हुआ सूत्र होता है। इसमें 14 गांठें लगाई जाती है भगवान विष्णु के मंत्र का जप करने के बाद और खासतौर पर उसका पूजन करने के बाद, संकल्प करने के बाद इन रेशमी सूत्रों में
14 गांठ लगाने के साथ साथ कुमकुम रंग इत्यादि उपस्थित करके, चावल उपस्थित करके कलाई पे बांध दिया जाता है, बाजू पे बांध दिया जाता है, और कलाई पे बांधे गए इस सूत्र को अनंत कहा जाता है, और इस धागे से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अद्भुत योग है, रक्षा सूत्र है। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था, जो राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, इसी से कहीं ना कहीं अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जब इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था तो अपने संकल्प के द्वारा उनको विजय प्राप्त हुई थी। तो यदि मंत्र से अभिमंत्रित करके ये बांधा जाए तो जीवन में कल्याण के अद्भुत योग बन जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं आगे के राशिफल की। जहां राशियों के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मामले करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए उत्तम रहता दिखाई दे रहा है। आमदनी के हिसाब से नए स्रोत प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, और निवेश से भी लाभ होने के योग आज ग्रह प्रबल रूप से बना रहे हैं। साझेदारी के काम में जो काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे, उसको भी आज शुरुआत की जा सकती है। कारोबार के सिलसिले में कहीं बाहर जाने की यात्रा होने के योग भी दिखाई देते हैं, परंतु सावधान रहिएगा। यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखने का प्रयास करें, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, और संतान पक्ष से भी लाभ होने के योग बन रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपको लाल दिखाई देता है। आज गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को कुछ आर्थिक रूप से दान करने का प्रयास करें, भोजन कराने का प्रयास करें, अनंत फल की प्राप्ति होगी। मामे करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों, आपकी राशि में क्या कुछ बन रहे हैं योग जान लीजिए। आज का दिन थोड़ा भागदौड़ से भरा रहेगा, और जितनी मेहनत करेंगे उसका उतना फल प्राप्त होगा, इसलिए अच्छे से मेहनत करने का प्रयास करें। शत्रु थोड़ा आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं, उनसे सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए। और परिवार के किसी सदस्य से आपका कोई मन मुटाव, मन भेद हो सकता है, इसलिए शांति के साथ उनको सुलझाने का प्रयास करें, विवाद को टालने का प्रयास करें। बड़े लोगों की जो परिवार में है उनकी बीमारी को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं, सावधान रहे, उपाय तुरंत करने का प्रयास करें। 7 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। पर थोड़ा सा एक काम कर लें, नहाने के पानी में सुबह सुबह थोड़ा गुलाब जल डाल लीजिए, फिर स्नान कर लीजिए, और भगवान विष्णु की उपासना आज कर लीजिए, सब शुभ होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। बिहार से एक और मैसेज आया है देवेंदु राय जी का, और उन्होंने लिखते हैं खासतौर पर कि उन्होंने प्लॉट खरीदा था, उसका जो मुख्य दरवाज़ा है वो उत्तर पश्चिम की तरफ निकल रहा है, उत्तर पश्चिम का कोने में खासतौर पे मुख्य दरवाज़ा पड़ता है, और जानना चाहते हैं इसका प्रभाव कैसा रहेगा। उत्तर पश्चिम दिशा का मुख्य दरवाज़ा वास्तु के दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता, इसे कलह का द्वार भी कहा जाता है। इस दरवाजे से यदि आप इस तरफ से आप दरवाज़ा खोलेंगे तो कहा जाता है कि पड़ोसियों से हमेशा झगड़े बने रहेंगे, मनभेद बना रहेगा, मतभेद होता रहेगा, और धन की दृष्टि से भी खर्चे अधिक बने रहेंगे, इस बात से सावधान रहना चाहिए। हो सके तो उत्तर पश्चिम कोने के जगह वहाँ पे खिड़की लगाने का प्रयास करें, बहुत हद तक सुधार अवश्य होगा। और इस जगह पर ध्यान रखते हैं कि खासतौर पर जब अन्न का भंडार यदि होता है तो वो भी खासतौर पर कष्ट के योग देता है, तो उत्तर पश्चिम द्वार पर यदि खिड़की लगा लें तो वहाँ पर कोशिश करें थोड़ा सा पर्दा डाल दें, और पर्दे के अंदर थोड़ी सी घंटी लगा लीजिए, और वहाँ से जब हवा आएगी तो उससे आपके जीवन में जब वो घंटियाँ बजेंगी तो कष्ट कम होने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे, इससे आपको लाभ प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे, कष्ट कम होंगे। अनंत चतुर्दशी, जैसा मैंने आपको कहा कि आज है, और साथ साथ गणेश जी का भी पूजा करने का विशेष नियम है। महाराष्ट्र में तो गणेश उत्सव चल रहा होता है, आज अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन भी बड़े आनंद के साथ किया जाता है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी का विशेष वर्णन दिया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का विधान स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह पूजा दोपहर के समय की जाती है, और इस व्रत को करने के जो प्रकार है, इस प्रकार से करना है वो जान लीजिए। इस दिन प्रातःकाल जल्दी से उठकर स्नान इत्यादि करके निवृत्त हों, दैनिक कर्म से फिर व्रत का संकल्प लें, और पूजा स्थल पर जाकर एक सुंदर रूप से कलश की स्थापना करने का प्रयास करें। कलश को अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित करें, बर्तन पे कुशा रूप से विशेष तौर पे रखें, और अनंत भगवान का ध्यान करते हुए इस कलश को स्थापित करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं, उनका यंत्र लगा सकते हैं, उनका शिव विग्रह लगा सकते हैं, और इसके बाद एक धागे में कुमकुम और केसर के साथ हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र तैयार करने की व्यवस्था की जाती है, और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए 14 गांठें धीरे धीरे उस अनंत सूत्र में लगा दी जाती हैं, और इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने उनको अर्पित कर दिया जाता है। जब भगवान विष्णु को अनंत सूत्र खासतौर पर षोडश प्रकार से विधि की पूजा करने के उपरांत जब समर्पित किया जाता है, तो ये अनंत सूत्र जो है अद्भुत रूप से भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है, और फिर उस सूत्र को अंत में प्रसाद रूप लेकर बाजू में घर के मुख्य व्यक्ति के या सब लोगों के बांध दिए जाने की व्यवस्था बनाई गई है।
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आपकी राशि के अनुसार से आज का दिन आपके लिए उत्तम रहता दिखाई दे रहा है। किसी आयोजन में भाग लेने का योग बनता दिखाई दे रहा है। व्यापार में लंबे समय से जो धन की कमी चल रही थी वो उसको ठीक करने का आप आज प्रयास कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ फंसा हुआ धन कहीं है तो उसको निकालने का प्रयास कीजिए, उसमें आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। पुराने मित्रों से मुलाकात होने के योग दिखाई देते हैं जो आपको लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य से खासतौर पर यदि काम करने जा रहे हैं तो घर के बुजुर्गों उसका विचार विमर्श अवश्य लेने का प्रयास करें, लाभ होगा। एक नंबर यानी नंबर वन इज वेरी लकी फॉर यू। और शुभ रंग जो आपके लिए नारंगी दिखाई देता है, एक बात का ध्यान रखने का प्रयास करें, आज घर में कबाड़ को ना एकत्र होने दें, जल्दी जल्दी उसको निकाल दीजिए, तरक्की रुक जाएगी। अन्य माम में करेंगी कल्याण। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों आज इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें, अपनी बात को जो मन में चल रही है उसका बहुत सावधानी के साथ उपयोग करने का प्रयास करें, अपनी गुप्त मंत्रणा को गुप्त रखने का प्रयास करें, बहुत सारे लोगों के सामने इजहार ना करें। यदि आपकी मन की बात, आपकी प्लानिंग लोगों के सामने आ गई तो आपको नुकसान हो सकता है। नए व्यापार में लाभ की खासतौर पर आज योग बनते दिखाई दे रहे हैं। धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता है। थोड़ी आर्थिक परेशानी होने के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो दूरियां आ गई उसको कम करने का आज आप प्रयास करेंगे तो ठीक होगा, अच्छा होगा, लाभ प्राप्त होगा। बात करने का प्रयास करें। तीन नंबर आपके लिए शुभ है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। गाय को रोटी अवश्य खिलाएं, सब शुभ होगा, कष्ट कम हो जाएंगे। माम में करेंगे कल्याण। अब समय हो गया है स्वप्न विज्ञान के बारे में बात करने का। और स्वप्न विज्ञान के बारे में बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं हमारे पास। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला से सोनू दुबे जी का एक मैसेज आया है। उन्होंने सपने में देखा बिलाल यानी बिल्ला देखा और जानना चाहते हैं उसका क्या संकेत है। देखिए सपने में खासतौर पर बिलार को देखना शास्त्र के दृष्टिकोण से शुभ नहीं माना जाता। यह प्रतीक है झगड़ों का, यह प्रतीक है शारीरिक कष्टों का, अशुभ समाचार मिलने का। इसलिए थोड़ा सावधान रहने का प्रयास करें। अनंत चतुर्दशी है, भगवान विष्णु का शालिग्राम जी के रूप में पूजन करने का प्रयास करें, उनको पंचामृत से स्नान कराएं और पंचामृत ग्रहण करें, सब शुभ होगा। धनुराशि वालों आपकी राशि में क्या कुछ बनने के योग है जान लीजिए। आज उन्नति से अच्छे आपके योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी या व्यापार में जो आपके शत्रु हैं वो आज भी आपकी आज प्रशंसा करते नजर आएंगे। सायंकाल का समय परिवार के साथ किसी अच्छे यानी पार्टी इत्यादि में जाने के योग बन सकते हैं। आज बड़े लंबे से कोई काम रुका हुआ हो, धन रुका हुआ हो तो उसको पूरा करने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। पूरा प्रयास करें, आपको सफलता प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नौ नंबर आपके लिए लकी रहेगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। श्री गणेश को विशेष तौर पर नमन करें, उनका पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें, कल्याण होगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आपके लिए आज का दिन अनुकूल परिणाम प्राप्त होने का दिखाई देता है। आजीविका के संबंध में जो कार्यरत लोग हैं उनको अच्छे अवसर प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आज बिजनेस में भी नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन उत्तम दिखाई देता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास करें। घर वालों का स्वास्थ्य थोड़ा परेशान कर सकता है आपको। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार के प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। नौ नंबर आपके लिए लकी रहेगा। मेहरून रंग आपको लाभ देगा। दूध और जल को बराबर में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और थोड़े से साबुत चावल भी उन्हें समर्पित कर दें, कल्याण होगा। अंतिम दो राशियों के संबंध में बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं एक विशेष व्हाट्सएप की जो आया है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से। और दिलीप कुमार जी खासतौर पर लिखते हैं कि उनके मस्तिष्क के बीच में दर्द रहता है, इलाज बहुत करने का प्रयास कर रहे हैं परंतु लाभ नहीं हो रहा है, मुद्रा जानना चाहते हैं। चिंता ना करें, हम आपको मुद्रा अवश्य बताएंगे। देखिए मस्तिष्क में जो दर्द है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, और काम का बोझ हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, नींद पूरी ना हो उसके लिए हो सकता है, या खासतौर पर टेंशन के कारण से भी दर्द हो सकता है, या ब्लड प्रेशर यदि बड़ा हो तो उसके कारण भी हो सकता है। तो हम आपको एक मुद्रा बता रहे हैं, मुष्टिकम मुद्रा। ये दोनों हाथों को इस प्रकार से यहाँ दबाने से, अंगूठे को बीच में रख के तर्जनी या मध्यमा और अनामिका बीच में इस प्रकार से रखें और ये दो मुद्रा करने का प्रयास करें। इससे आपको जो लगातार सिर में दर्द हो रहा है उससे भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। सुबह दोपहर शाम इस मुद्रा को कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा, कष्ट कम होंगे। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए सुखद और अच्छे परिणाम लेके आता दिखाई दे रहा है और घर परिवार में खासतौर पे आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। व्यवसाय में काफ़ी दिनों से जो तनाव चल रहा था वो भी आप दूर करने के योग बना सकते हैं। किसी प्रियजन से कुछ कष्ट होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव समाचार प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। कहीं यात्रा के योग भी अकस्मात बन सकते हैं परंतु थोड़ी सावधानी के साथ करने का प्रयास करें। आज खर्चा थोड़ा सोझबूझ के साथ करने का प्रयास करें। छह अंक आपके लिए शुभ रहेगा। गुलाबी रंग आपको लाभ देगा। चीनी का दान करें, दूध का दान करें, कल्याण होगा। माँ अम्बे करेंगे कल्याण। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज थोड़ा सा व्यस्तताओं से भरा रहेगा दिन।
और खासतौर पर भविष्य के लिए कुछ नई निवेश करने की योजना बनती दिखाई दे रही है। कुछ महत्वपूर्ण खासतौर पर निर्णय लेने से पहले घर वालों का जीवन साथी की सलाह जरूर लेने का प्रयास करें, और लेन देन में यदि सोच रहे हैं करने के लिए तो थोड़ा सावधानी के साथ करने का प्रयास करें, या आज टाल दें लेन देन वाली स्थिति को। धन का लेना देना थोड़ा फंसा सकता है आपको, और संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता मन को परेशान कर सकती है। किसी मित्र के साथ भी कुछ अनबन होने के योग है, और वाणी पर संयम रखने का प्रयास कीजिएगा। चार अंक आपके लिए शुभ है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है, और शिवलिंग पर पीले कनेर का पुष्प समर्पित करें, कल्याण होगा, प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हेल्दी टिप के बारे में बात कर लेते हैं, और आज हम हेल्दी टिप के बारे में जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है गेहूं के जवारे। देखिए, आपके शरीर को इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, पेट को साफ रखने के लिए, और खासतौर पर यानी संपूर्ण रूप से मिनरल शरीर को प्राप्त हो जाए जीवनी के रूप में, कैसे वो कौन सी औषधि है, तो गेहूं के जवारे, खासतौर पर गेहूं के जो कच्चे कच्चे फल होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको खासतौर पर जूस के रूप में यदि उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होता है। पोषक तत्व अनमोल रूप से प्राप्त होते हैं उसके अंदर, और समस्त रोगों के ठीक करने के लिए भी उसमें अद्भुत गुण समाविष्ट होते हैं। गेहूं के चवारों में खासतौर पर अनेक प्रकार के मिनरल प्राप्त किए जा सकते हैं। कैंसर जैसे रोगों से रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अद्भुत रूप से ये लाभ देता है। पाचन संतान को ठीक करने के लिए, रक्त के खासतौर पर जो दूषित रक्त है उसको ठीक करने के लिए भी इसके अद्भुत लाभ शास्त्र में बताए गए हैं। मां अम्बे करेंगी कल्याण। तो इस प्रकार से अब समय है आपसे विदा लेने का, कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम धरणी धाराय विद्महे पुरुषोत्तमाय धीमहि तन्नो अनंतः प्रचोदयात्।